Pitman Shorthand old course में से इंशाल्लाह आज हम लेक्चर जो पढ़ते हैं वो है हाविंग प्रिंसिपल सेक्शन नंबर वन। हम शॉर्टहैंड के मुताबिक अगर स्ट्रोक्स को हाफ करें तो उसमें दो आवाजों का इजाफा होता है, कमी नहीं होगी। एक आवाज मिलेगी टी और दूसरी आवाज मिलेगी डी, लेकिन रूट के मुताबिक। इस तरह से है, अगर कोई लफ्ज जो एक चिरे वर्ग पर मुश्तमिल हो, यानी एक रुकन हो, एक गुंबद हो, हिज्जा हो, तो उसमें जो लाइफ स्ट्रोक होगा लाइफ वो टी की आवाज के लिए हाफ करेंगे और डार्ट होगा वो डी आवाज के लिए हाफ किया जाता है। इसकी के एग्जाम्पल भी है, क्या चल रहा आप ओपीटी आप ये करेंगे ओपीटी, हमने पी को हाफ किया जो कि लाइट स्ट्रोक है और इसको हाफ करने से इसमें टी का इजाफा होगा ऑफ, कहते एक्ट है एक्स में भी ये गाट है,
और लिखे ये गेट होता है, डी और टी ये गेट है या डी और टी ये गेट है। इसका रूल ऐसे है, अगर किसी जॉब पेन में पहले आने वाला को लाइफ सपोर्ट हो और उसके बाद डी आ जाए या पहले आने वाला स्ट्रोक डार्क हो और उसके बाद टी आ जाए तो वहां आउट एम टी और डी के लिए हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते बल्कि टी और डी स्ट्रोक लिखे जाते हैं। जैसे कि देखिए आप पैर में पी लाइट है बाद में डी हमने हाफ नहीं किया, पेट में पी लाइट है बाद में डी हाफ नहीं किया, पैर में टी लाइट है बाद में डी हाफ नहीं किया, पीठ में जो पिन में के जो है वो लाइट है बाद में डी है दोनों में हाफ नहीं किया, फूड में भी आप लाइट है और बाद में आया डी हमने हाफ नहीं किया। नेक्स्ट है कि बैट में बी डार्क है बाद में टी है बैट तो हमने हाफ नहीं किया, बाइक में भी बी डार्क और टी लाइट है हाफ नहीं किया, ऐसे बीट में भी बी लाइट है बी डार्क है और बाद में टी आवाज है तो टी पूरा तुम लिखा गया, ऐसे डार्क और गेट या गेट डेट में भी पहला को जो है वो डार्क है और बाद में टी टी है वहाँ भी हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया। ये है इसका पॉइंट नंबर थ्री। फोर्थ पॉइंट ये है, अगर किसी और बैंक ने तो के आखिर में को मिला वाले फॉर्म हो आओ और यू दो मिले फॉर्म होते हैं हर टेस्ट के, या किसी और बैंक ने आखिर में कोई हुक हो एन का हुक होता है एफ बी एच एन का हुक होता है तो जब ऐसे लफ्जों में इनको हाफ करेंगे तो टी एंड डी बोथ जो थॉट है वो पैदा होंगे, टी डी डी दोनों वादे क्रिएट होंगे। कैसे लगता है पेट है तो ये पेट भी है और पेन भी है और ये बेंड भी है ये बेंट भी है ये टेन भी है और टेंट भी है ये टिंट भी है और टिंट भी है। ये भी बताया कि जब हाफ होता है तो हाफ ही फ्रंट पेज की शुरू में वो क्रॉस नहीं करेगा ऑन द लाइन लिखा रहता है, जैसे टिंट लिखा टिंट भी लिखा ऐसे ये मेंट भी है मेंट भी है इनके साथ हुक है मेंट भी है मेंट भी है। फ्यूज को आप करेंगे तो फ्यूज भी होगा और फ्यूज भी होगा, व्यू भी इसको आप करेंगे जी को तो व्यूड भी है और व्यूड लफ नहीं होता ये व्यू भी रहेगा। ऐसे ही ये होता है अबाउट, इसको आप अबाउट पट तक के लेकिन अबाउट लफ नहीं होता, ऐसे डाउट है ये डाउट ही होगा डाउट नहीं होता तो ये डाउट ही बना जाए। इस तरह से दोनों ही आवाजें प्रयुक्त होती हैं तब आखिर में भूख हो या मेरा रिस्पॉन्स हो। और पांच पॉइंट नंबर फाइव, अगर टी और डी आवाज से पहले टाइफल हो तब भी हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, आप पूरे होने लिखते रहते थे चल डाई ये डी और टी ये डाई डी आई की पहले गए फिर हमने डाई आ जाओ डी डी और एम पूरा लिखेंगे तो बन जाएगा डाई आ जाओ, फिर के बाद जब फाई है एम पूरा लिखेंगे और टी पूरा लगाएंगे आप पीछे का अप्लाई नहीं करते। सिक्स पॉइंट ये है, अगर टी या डी के बाद फाइनल वॉवल हो तो हम फिर भी टी डी पूरा लिखेंगे आप एक पीछे पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि तो वॉवल का ताल्लुक स्ट्रोक से होता है। जैसे होता है पिटी पिटी में वॉवल है टी के बाद या पैकी में भी वावल है टी के बाद पूरा लिखेंगे या माटो में भी टी के बाद वावल आता है या माटी में भी टी के बाद वावल आता है जैसा उन्होंने यूज की जाती है, लाठी में भी टी के बाद वावल आता है जैसा फूल उन्होंने यूज की जाएगी, बाटी में भी बाटी में टी के बाद वावल आता है तब भी टी पूरा लिखा जाएगा और गिट्टी में भी टी के बाद वावल आता है जैसा तो टीडी के बाद पाइन बावल हो तो हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं बल्कि मुकम्मल ऑर्डर लिखी जाती है विद टीएनडी। और पॉइंट नंबर सेवन ये है कि आपने पढ़ा ये अकेला नॉर्मल होता है या कि लफ्ज हाई है या ही है या ऐसे लफ्ज है
लेकिन जब हे को हाफ किया जाए तो अपर लिखा जाएगा अकेले में भी और डेल्टा के केस में भी, ठीक है, हाफ अपर लिखा जाएगा। जैसे जब हाई से हाई होता है, हाई या हैट है, हार्ट होता है या हार्टली है, हार्टली तो ये अपर लिखा जाएगा, हिट है अपर होगा, हीट है अपर होगा, हिंट है हिंट या हिंट्स तो अपर लिखा जाएगा। और पॉइंट नंबर सेवन ये है, एट पॉइंट ये है, आपने पढ़ा कि आर डोमिनेंट लाइक है, ये अकेले में भी हाफ हो सकता है, हाफ एक्चुअली मतलब आठ, लेकिन अपर आर जो स्टेट है ये अकेले हाफ नहीं करते, कहीं एन और शुड में कंफ्यूजन ना पैदा हो। ठीक है, एन और शुड में कंफ्यूजन करीब ना हो ज्यादा, इसको अकेले को हाफ नहीं करते ज्यादा, लव का के राइट पूरा लिखते हैं, रेप है और पूरा लिखा जाता है, रूट ये पूरा होता है, पूरा लिखते हैं, ई लगाते हैं जाते हैं। लेकिन अब आर पर कब हाफ करेंगे, जब आर के पहले सर्कल हो तो इसको हाफ कर सकते हैं, जैसे लफ्ज है शॉर्ट सर्कल और आर पर हाफ, शॉर्ट एस ओ आर टी शॉर्ट हाफ कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म Thank you very much, ladies and gentlemen.